दोस्तों आईपीएल के पांचवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया। रोहित शर्मा ने इस दौरान जिस तरह की फॉर्म दिखाई है वो वाकई में शानदार था। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2020 के पांचवें मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला गरज उठा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कोलकाता के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम पर धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने अपने आईपीएल करियर का 37वां अर्धशतक लगाया। रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इस मैच में शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अपने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए हिटमैन के नाम से मशहूर इस बल्लेबाज ने 4 छक्कों और 1 चौके का सहारा लिया। इसके बाद उन्होंने 54 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम मावी का शिकार बने। उन्होंने अपनी इस पारी में 6 छक्के और 3 चौके जड़े। आपको बता दें कि अभी तक केवल 4 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में 200 या उससे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। अब रोहित भी उन 4 बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के अलावा अभी तक ये कारनामा केवल महेंद्र सिंह धोनी, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल ही कर पाए हैं। जहां रोहित के नाम आईपीएल में 200 छक्के हैं, वहीं धोनी अब तक 212 छक्के जड़ चुके हैं। धोनी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, जिसके नाम अभी तक आईपीएल में 214 छक्के हैं। वहीं छक्कों के मामले में सबसे पहला नाम आता है किंग्स 11 पंजाब के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में 326 छक्के जड़ चुके हैं। तो वहीं अपनी शानदार प्रदर्शन के दम पर मैन ऑफ द मैच बने रोहित शर्मा का कहना है कि टीम ने अपने प्लान के हिसाब से खेल दिखाया है। रोहित ने कहा, हम कभी नहीं जानते थे कि आईपीएल यूएई में होगा, इसलिए हम एक तेज आक्रमण चाहते थे जो वानखेड़े में अनुकूल था। शायद मैं अंत में थोड़ा थक गया था और यह हमारे लिए एक सबक था कि एक सेट बल्लेबाज को अंत तक बल्लेबाजी करने की जरूरत है। हमने इससे पहले लापरवाही की थी, इसलिए आज मैं अंत तक टिकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों 80 रन बनाने के बाद भी रोहित ने जीत का सेहरा सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को दिया। उन्होंने कहा कि भले मैंने 80 रन बनाए, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू कर दी, जिससे मुझ पर दबाव नहीं आया और यादव ने मुझसे भी तेज बैटिंग की। दोस्तों आपको बता दें, सूर्यकुमार यादव ने महज 28 गेंदों में ही 47 रन ठोक दिए, जिसे कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव आ गया। तो वहीं बुमराह ने भी आज शानदार बॉलिंग की और कोलकाता के 2 धाकड़ बल्लेबाज योन मॉर्गन और आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों को आउट कर मुंबई की जीत सुनिश्चित कर दी। तो दोस्तों आप रोहित शर्मा को इस शानदार पारी और जीत के लिए बधाई जरूर दें। धन्यवाद।